जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप टाइम से देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूएस होल्ड्स द बोर्ड 2+2 डिस्कशंस विद द यूक्रेन लूमिंग्स ओवर द टॉक्स। तो ये हमारा 2+2 डायलॉग होता है नेशनल्स। तो ये जीएस पेपर 2 में आएगा, बायलैटरल रीजंस एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड द एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व इंडिया एंड और द अफेक्टिंग्स इंडिया इंटरेस्टेड्स। तो ये हमारा 2+2 डायलॉग हुआ है, भारत और यूएस के बीच में होता है। तो ये हमारा द फोर 2+2 डायलॉग बिटवीन द इंडियंस एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अंडरवे इज द वाशिंगटन डीसी। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स एस जयशंकर एंड द राजनाथ सिंह आर द मीटिंग विद द अमेरिकन कंट्रीज सेक्रेटरीज स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ द लॉर्ड ऑस्टिन। ऑल द हाई ऑफिशियल्स एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेजिडेंट ऑफ जो बाइडेन द बाइडेंस मीट द वर्चुअली ऑन अप्रैल 11 एड्स 2+2 डायलॉग। ये कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 जो संवाद वाशिंगटन डीसी में चल रहा है, मतलब चला अब तो हो चुका। भारत में विदेश मंत्री रक्षा मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जो अमेरिका के जो समकक्ष विदेशी मंत्री एंथनी ब्लिंकन और जो रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन के साथ बैठक कर रहे हैं। सभी उच्च अधिकारी उस मौजूद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो 2+2 वार्ता से पहले 11 अप्रैल को मिले थे। तो की डिटेल्स क्या है, मुख्य विवरण क्या है। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापक सब जो मुद्दे पर जो चर्चा की गई, COVID-19 की प्रतिक्रिया, व्यापक श्रृंखला, जलवायु जो कार्यवाही से लेकर जो मुद्दे पर इस पर सबसे जो बात की गई है, जो भारत यूक्रेन को जो लेकर एक तो COVID-19 पर बात की गई है, फिर भारत वो जो इसमें रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर जो बात की गई है। तो ये जो दोनों मुद्दे ही हमारे बहुत ज्यादा हुए। तो यूक्रेन इशू है, यूक्रेन मुद्दा है जो भारत है। युद्ध मंत्रियों ने यूक्रेन से बिगड़ते हुए मानवीय संकट का जवाब देने के लिए पारस्परिक प्रयासों की समीक्षा की। जो मंत्रियों ने अपनी जो संयुक्त बयान में जो शत्रुता की जो तत्काल समाप्ति का आग्रह किया है कि ये तत्काल जो एक दूसरे की जो युद्ध को समाप्त कर दे और शत्रुता खत्म कर दे। आस पास असमान रूप से नागरिकों की मौत की निंदा की है कि जो बहुत सारे नागरिक बेचारे निर्दोष जो इनोसेंट जो मौत जो मर रहे हैं उस पर निंदा की गई। इस बात पर जोर दिया गया समकालीन वैश्विक व्यवस्था को लिए राष्ट्र जो चार्टर जो आंतरिक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान और जो संपूर्णता क्षेत्र के लिए गठित के लिए जो आधारतीय सभी राज्य हैं। तो डिफेंस रक्षा पक्ष में जो दोनों देशों के सहयोग बढ़ाने के लिए कई उपयोगी घोषणा की है जिसमें भारत बहरीन बहुरक्षीय साझेदारी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र समुद्र जो CMF के सहयोगी के लिए शामिल है। इसमें जो पश्चिमी हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा इससे जो होगा। और हम जो लगातार जो समझौता को बुनियादी विनिमय के लिए BECA के पूरे जो किरवान में प्रभावी रूप से ढंग से दिशा निर्देश मिलेंगे दोनों के लिए। साइबर सुरक्षा बलों के लिए आपस में जो LOC के तहत जो अब क्या है अमेरिका है क्या है भारत से बोल रहा है कि भाई तुम यहाँ पे हमें हाथ से बात ना करके जो वहाँ से सामान ले रहे हो, तेल ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ ले रहे हो, क्रूड ऑयल ले रहे हो रशिया से, यूक्रेन से, मतलब रशिया से ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ से लेके हमारे से लो, हम आपको देंगे। क्योंकि इंडिया जो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, कोविड के बाद जो लोगों का जो चाइना से तो वो विश्वास उठ गया है, तो ये भी है वो अपना जो फायदा देख रहा है। दोनों पक्षों के बीच उन्नत उभरती हुई जो महत्वपूर्ण संघीय प्रौद्योगिकी संयुक्त परियोजनाओं के साथ साथ प्रौद्योगिकी व्यापार जो DDI को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यकता पर सहमति जताई है, व्यक्त की है। रीजनल इशू क्या है, जो क्षेत्रीय मुद्दे दोनों पक्षों के लिए पड़ोस में अफगानिस्तान जहां में पिछले साल अगस्त में अराजक जो अमेरिकी प्रस्थान के बाद जो तालिबान में कब्जा कर लिया था, तो स्थिति को चर्चा की गई है कि वो बार बार क्या कर रहा था अमेरिका, कर रहा था कि भारत यूक्रेन और जो रशिया के युद्ध को डाला था कि तो आपका क्या स्टैंड है। तो उसमें जो भारत के जो विदेश मंत्री है हमारे एस जयशंकर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो तालिबान का भी तो कब्जा कर लिया उसमें जो अफगानिस्तान के बाद मुद्दे को उठा दिया उसने उन्होंने। तो श्रीलंका के जो दशकों से खराब था जो आर्थिक संकट के बीच में है, पाकिस्तान के गहन राजनीतिक संकट के बाद एक नया प्रधानमंत्री शाह शरीफ जो मिले हैं, जो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार
श्री ब्लिंकन ने भारत को बढ़ते हुए मानवाधिकार हनन का मुद्दा भी उठाया। अमेरिका विदेश विभाग ने अपनी जो वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट की जारी तैयार की और भारत ने बढ़ते हुए जो मानवाधिकार हनन का चिंता की है कि भी अच्छा अदर में क्या कहता है, भारत और अमेरिका के बीच में स्थिति को जागरूकता का समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। भारी अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष से में सहयोग आगे बढ़ने के लिए दोनों के बीच में पक्षों के लिए बाहरी अंतरिक्ष और बल्कि स्पेस में भी सहयोग का गहरा चर्चा की ताकि जो युद्ध लड़ने वाले जो डोमेन को क्षमताओं के विकसित किया जा सके। 2+2 टॉक्स बिटवीन द इंडिया एंड द अलायंसेस, तो जो भारत और जो सहयोग के बीच में 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता जो राजनीति और सुरक्षा मुद्दे पर जो भारत सहयोग की विदेश रक्षा सचिव की बैठक का एक स्वरूप है। जो 2+2 वार्ता संवेदन के लिए भारतीय तेजी से बदलते हुए जो वैश्विक परिदेश को एक मजबूत और जो एकीकृत दो रणनीति संबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों के लिए कारकों के ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के सहयोग की चिंताओं के लिए और संवेदित ढंग के समझाने के लिए सराहना का पक्ष है ये। इंडिया हैज द 2+2 डायलॉग्स फॉर द 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया एंड द बिसाइड द रशियास अदर्स द 3 कंट्रीज आल्सो द इंडिया द पार्टनर्स इन द क्वाड्स। भारत के जो चार राजनीतिक साझेदार उसमें 2+2 है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के अलावा 3 अन्य भी जो क्वाड में है तो भागीदार है। ऑस्ट्रेलिया के साथ गठन 2+2 सितंबर 2021 के पिछले साल दिसंबर में आयोजित किया गया था। 2+2 जो भारत की जो भारत जापान वार्ता 30 नवंबर 2019 को भारत और नई दिल्ली में हुई थी, भारत में और जापान के बीच, और फिर जो जापान के बीच आयोजित की गई। अमरीका का ये सबसे पुराना और जो महत्वपूर्ण 2+2 साझेदार है। दोनों देशों के बीच में 2+2 जो सितंबर 2018 से नई दिल्ली में ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी। 2+2 संवाद का दूसरा तीसरा संस्करण जो 19 और 20 में हुआ और वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली के आयोजित किया गया था। एसोसिएटेड सर्च कौन से हैं, तो काटसा, तो ये है हमारा जो कोस कास का बीएसए समुद्री रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार, इन पे बात कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं भाई जो अपने और मजबूत करने के लिए। चौथी 2+2 वार्ता का आकर्षण क्या था, भारत के प्रारूप के बारे में, भारत और संयोग के देश में 2+2 वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता, तो ये क्वेश्चन रखा है। रशिया एंड इंडिया द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट 2+2 वार्ता पार्टनर्स हेल्ड्स द इट इज 2+2 डायलॉग इन रशिया एंड द दिसंबर 2021। इंडिया हैज द 2+2 डायलॉग विद द 4 की ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। तो हमारा सिलेक्ट तक करो करेक्ट कोड, तो 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो इसमें सेलेक्ट जो भारत को जो भारत का सबसे पुराना और जो महत्वपूर्ण 2+2 भागीदार है रूस का भारत के बीच में। भारत ने दिसंबर 2021 के रूस के साथ अपनी जो पहली 2+2 वार्ता की। भारत के चार जो राजनीतिक साझेदार में 2+2 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस हैं, ये कथनों को चेंज किए, तो दो हमारा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है भाई, बाकी जो इसमें इनकरेक्ट है। और जो मेंस के लिए देख सकते हैं, ओवर द स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द डायलॉग्स ऑफ 2+2 द फॉर्मर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द अलायंसेस। दो वर्षों में दो 2+2 आयोजित संवादों के सहित अपने भागीदारों के बीच में जो सामरिक द्विपक्षीय संबंध सहयोग के लिए भारतीय जो संदर्भ में महत्वपूर्ण पर चर्चा करें। नेक्स्ट हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। Real inflation is the soared to 6.9% is the March 2022. तो GS paper में आया जाए by the Indian economy and the issues the ratings of the planning. तो retail inflations the contents the India's the retail inflation shoot of the 6.95% in the March 2022. The highest rate of the price in the nearly 1.5 years marking the third successive of the month of the, above the Reserve Bank of India and the tolerance of the 6%. March 2022 में भारत की जो खुदरा मूल्य जो मुद्रास्फीति 6.9 से हो गई है, लगभग जो 1.5 वर्षों के बाद में मूल्य स्फीति को उच्चतम दर पर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6 जो सहिष्णुता सीमा के, कहने का मतलब ये है जो अब जो रिजर्व बैंक RBI ने जो हमारी जो की हुई है ना, ये इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं जो हम जो आम भाषा में बोलते थे हैं इसको हम, कि महंगाई भाई। तो ये हमारा प्लस माइनस टू है, तो ये सिक्स होता है जो फोर से,
जो फोर है, फोर फोर होता है प्लस माइनस टू, तो ये माइनस होगा तो 2% हो जाएगी और प्लस होगा तो 6% हो जाएगी। अब ये जा रही है 6.9%, तो ये भाई बहुत ज़्यादा है। तो की इन्फॉर्मेशन मुख्य जानकारी का, ग्रामीण भारत में जो उपभोक्ता को शहरी नागरिकों की तुलना में अधिक स्फीतिकरण का सामना पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारतीय मुद्रा स्फीति 7.66% की वृद्धि हुई है। भारत में ग्रामीण वो जो खाद्य मूल्यांकन सूचकांक 8% की जो बढ़कर 8.4% पहुंच गया है, जो फरवरी में कितना था, फरवरी में था हमारा जो 8.1% था, जबकि मार्च में खाद और जो पेयजल स्फीति जो 7.47 जो पहुंच गया। तेल वसा तेल जो होता है ये 18.8% और सब्जियों की मुद्रास्फीति 11.6% से अधिक जो मजबूती हुई है। एक होता है WPI और एक होता है हमारा होल प्राइस इंडेक्स होता है, और एक होता है CPI। दूसरा हमारा स्टेट्स एंड आर द इन्फ्लेशन स्टेट्स, राज्य और द मुद्रास्फीति। अमंग द स्टेट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन 8.85 एंड उत्तर प्रदेश एंड असम द क्लॉक्ड 8.19% ऑफ द इन्फ्लेशन। राज्यों में जो पश्चिमी बंगाल से अधिक जो मुद्रास्फीति 8.8% जो दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में और असम में जो 8.19 जो ये जो मुद्रास्फीति देखी गई है, तो बहुत ही जो इकोनॉमिक्स का भी जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इन्फ्लेशन, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इससे क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश जो 7.2% और जो तेलंगाना है जो 7.6% और महाराष्ट्र है 7.62% के स्थान पर है। बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान के सही जिलों में मुद्रास्फीति 7.5 और जो 7.6 के बीच में है। फ्यूचर, अब चेक क्या फीचर्स क्या, भविष्य के परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस, तो जो खुदरा मूल्य स्फीति के निम्नलिखित रूप से शांति भंग नहीं होती, नहीं की जा सकती, तो केंद्रीय बैंक और जो शुरुआत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का विकल्प है कि भाई जो इसमें ब्याज बढ़ोतरी की जाएगी, तो यहाँ पे वर्ष 2000 की तिमाही के अंत में जो से जो 50 से 75 आधार अंक 0.5 से 0.75% की वृद्धि होगी। शायद जो 2023 में जो 0.5% की जो बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, इतना ही जो इसमें। RBI का क्या राय है, पिछले हफ्ते जो RBI ने 2022-2023 की तेल की मुद्रास्फीति के अनुमान के लिए अनुमति 4.5 से बढ़कर जो 7.5 कर दिया है। RBI ने उम्मीद है कि साल के पहली तिमाही औसत मुद्रास्फीति 6.3% होगी, जो इससे पहले जुलाई सितंबर वो दिसंबर वो सितंबर तिमाही में 8.58% थी से तक ये कम हो जाएगी। ये इतनी कम करने की बात, इसका जो इनका पर्पज है। व्हाट इज द रिटेलर इन्फ्लेशन, खुदरा मूल्य स्फीति क्या होता है हमारा, एक होता है ना इज मेजर्ड द कंज्यूमर्स ऑफ द प्राइस इंडेक्स CPI। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है। मौद्रिक नीति द्वारा के आधार पर ब्याज दर ऐसी एजेंसी मुद्रास्फीति 6% की सीमा और भीतर जो मध्य अवधि के बीच में लक्ष्य 4% रखने की जो आवश्यकता है, मैंने बताया ना 4 होता है प्लस माइनस, तो ये हमारा 2 होता है, तो अगर ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2% हो जाएगा। तो CPI के वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए, खुदरा मूल्य के लिए बदलाव को ट्रैक करता है जो दैनिक उपभोक्ताओं के लिए खरीदते हैं, तो होल्स मतलब जो पूरा जो एक मंडी टाइप होता है, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज फॉर द होल प्राइस इंडेक्स होता है CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द प्राइस लेवल्स इन द बास्केट्स एंड द कंज्यूमर गुड्स एंड द सर्विस बोर्ड ऑफ द हाउस होल्ड्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए CPI घरों के लिए खरीदार और जो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक टोकरी का मूल्य परिवर्तन माप है। CPI एक जो संख्यात्मक अनुमान है जिसकी गणना जो प्रतिनिधि गणनाओं के नमूने की दर पर उपयोग की जाती है, जिसकी कीमतें समय समय पर एकीकृत की जाती हैं। ये एक बास्केट के टाइप की होती है, उसमें बहुत सारी आती हैं, लगभग 600 प्लस, दैट इज कॉल्ड द CPI। तो CPI उपभोक्ता के लिए मूल्य परिवर्तन के स्तर को पकड़ लेता है। थोक मूल्य WPI द्वारा उत्पादक जो स्तर पर कीमतों के परिवर्तन को ट्रैक किया जाता है। CPI सेवाओं के लिए कीमतों में बदलाव को पकड़ सकता है जो WPI नहीं कर सकता है, तो इसका जो ये डिफरेंस है। CPI गणना कैसे की जाती है, उपभोक्ता सूचकांक में CPI पिछले वर्ष की जो समान अवधि के दौरान जो प्रचलित कीमतों को तुलना उनकी जो वस्तु और जो सेवाओं के लिए अन्य टोकरी के बदलाव का आकलन करता है। CPI का सूत्र है CPI =
इक्वल टू किसी वर्ष में बाजार में वर्ष में टोकरी की लागत इंटू वर्ष में बाजार की टोकरी की लागत, तो ये हमारा इंटू 100 इसे आ जाएगी। तो रेटेड सर्च में हो जाएगा डब्ल्यू पी आई एम एस पी और जो डिफ्लेशन हमारा, तो ये जो एस पी थी, ये जो बात करेंगे व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन, हाउ द रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्स, व्हाट इज द सीपीआई, हाउ इज द सीपीआई कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसको सर्च करना है भाई। खुदरा मुद्री मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति के कारण, खुदरा मुद्रास्फीति की जो कैसे मापा जाता है, सीपीआई क्या है और सीपीआई की गणना कैसे की जाती है, ये सारे जो अच्छे आए क्वेश्चन है। देखो भाई यूपीएससी में आया हुआ था, व्हाट इज द सीपीआई, consider the following the statements, so the CPI, the major, the changing the price levels of the basket of consumers, goods and the service brought to the households. Second है हमारा जो second statement है, changes the prices of the producers and the levels of the tract of consumer price index and the world price index, WPIs. Which is the giving the statement is the, are the, is correct or correct or incorrect. तो इसमें हमें incorrect हमें search करना है, only one, only two, both statement or none of above. तो इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी वर्जन है। सीपीआई क्या है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, सीपीआई घरों में खरीदी गई उपयोग वस्तु और जो सेवाओं में एक टोकरी के मूल्य के परिवर्तन का माप है, जो उत्पादक स्तर पर जो कीमत के परिवर्तन के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जो थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो दिए गए कथनों में कौन सा गलत है, एक ओनली वन ओनली टू बोथ स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स और जो नन ऑफ अबव, तो हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर इसमें, सेकंड इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट गलत को सर्च करना ना। तो नेक्स्ट है हमारा इंडिया टू मिस द सोलर कैपेसिटी टारगेट्स, इंडिया लाइकली टू मिस 2 इयर्स ऑफ द सोलर कैपेसिटी टारगेट, तो जीएस पेपर 3 में आया है, कंजर्वेशन रिलेटेड द इश्यूज, द इंडिया मिस टू द सोलर कैपेसिटी टारगेट्स, द इंडिया इज द लाइकली द मिस ऑफ द 2022 टारगेट द इनिशियली 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इंफॉर्मेशन पर्सन, भारत ने भारत सौर ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट स्थापित करने के लिए अपने 2022 का लक्ष्य को चूक सकता है। मुख्य जानकारी दिसंबर 2000 तक भारत की संचय स्थापित क्षमता जो 55 गीगावाट थी, जिससे जो ग्रिड जुड़े जो उपयोगता पैमाने के लिए परियोजना का योगदान 77% था। शेष ग्रिड जो स्टॉक रूफ टॉप सोलर तो जो 20% मिनी माइक्रो तो जो परियोजना के लिए ये 3% से थी। कारण क्या, रीजन क्या है, यह है मुख्य कारण जो रूफ टॉप जो सोलर एपीडीओ जो उठावे कारण हुआ और जो 2022 में लगभग जो 19 गीगावाट का क्षमता से जोड़ने की उम्मीद है। उपयोगिता के पैमाने पर 15.58 वाट जो रूफ टॉप जो सोलर जो ये 6 गीगावाट, इस क्षमता की वृद्धि के साथ भारत जो 100 गीगावाट और जो लक्ष्य जो है जो 75 पूरा नहीं कर सकता। व्हाट इज द करंट स्टेट्स ऑफ द सोलर सेक्टर, भारत में सौर ऊर्जा का वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये 30 नवंबर 2021 को देश की जो स्थापित अक्षय ऊर्जा आरी जो क्षमता जो 150.54 गीगावाट्स और सौर जो 48.55 गीगावाट्स, पवन जो 40.403 गीगावाट्स, लघु जल विद्युत 4.83 और 10.62, बड़ी हाइड्रोजन 6.46.51 गीगावाट है, जबकि इसकी जो परमाणु आधारित स्थापित जो क्षमता 6.68 गीगावाट है। इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, भारत के पास जो विश्व की सबसे चौथी पवन ऊर्जा की क्षमता है, यह कुल जीवाश्म आधारित जो स्थापित ऊर्जा है जो 157.3 जो गीगावाट के तक जो लाता है, जो कुल बिजली क्षमता जो 392.01 गीगावाट का 40.1% है। आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या, अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ग्लासगो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टी में भाग लिया और जो भारत का जो 2030 तक जो 500 गीगावाट का जो ईंधन का क्षम जो भारत का जो पहुंच सकता है पहुंच जाएगा 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा हमें क्षमता में अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वर्तमान के परिवेक्ष्य में रिपोर्ट में पाया गया कि 2030 तक जो भारत का जो 300 गीगावाट का लक्ष्य और 686 गीगावाट का लक्ष्य एक तिहाई से कम होगा। तो व्हाई देयर इज द नीड टू अचीव द टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है भाई, पेरिस समझौते में समर्थ के जो समझौता हुआ था ना जो होता है कोप हमारा होता है
तो पेरिस में हुआ था। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारतीय प्रतिबद्ध का एक जो प्रमुख हिस्सा है, इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में भारत भी हिस्सा है तो क्षमता है, इसमें भसाती 2070 तक शून्य कार्बन का जो हमने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए। इम्पेंडिंग्स ऑफ द फैक्टर्स, बाधा डालने वाले, तो स्टाफ आउट ऑफ द इंटरनेशन, बाधा करने के लिए कार्गो को प्रतिबंध करने के लिए, नियामक बाधाओं के लिए, महामारी प्रेरक और जो श्रृंखला व्यवधान है, नेट मीटरिंग सीमा जो आयनित सेल और मॉडलिंग बुनियाद सुई सीमा पीढ़ी को दोहराने के लिए, मॉडल निर्माता और जो स्वीकृति ALMM के साथ जुड़े मुद्दे हैं। नेक्स्ट हमारा अहस्ताक्षरित बिजली को आपूर्ति समझौते PM के साथ बैंकिंग प्रतिबंध, वित्तीय मुद्दों के साथ साथ अपने ओपन एक्सचेंज अनुमोदन के लिए अनुदान दी गई अस्वीकृति और भविष्य के लिए ओपन एक्सेस रूल का अप्रत्याशिता, ये सब है। ये हमारा शमन क्या है, मिटिगेशन हमारा, कम से कम जो अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए समान नीतियाँ, नेट मीटरिंग और जो बैंक सुविधाओं के लिए जो बैंकिंग सुविधाओं के लिए लगातार जो नियम में राष्ट्रीय स्तर पर जो लागू होने की चाहिए, कंपनियों को अक्षय खरीद दायित्व को RPO की शक्ति लागू करना, इससे रिलेटेड सर्च है भाई हमारा, जो हमारा किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान उत्थान, PM कुसुम, राष्ट्रीय सौर संगठन, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड कर जो ये है, और राष्ट्रीय स्व मिशन, इन पर बात करनी है। तो ये आए हुए हैं एक विलियम्स, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, ऑल इलेक्ट्रिक आउटपुट सोलर जो सेल डिपेंड्स ऑन काय पे डिपेंड होते हैं, जो हमारी जो सौर ऊर्जा उत्पादन करता है, सौर विकिरण की तीव्रता, सौर विकिरण की उष्मा घटक, प्रबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, तो ए इज द सौर विकिरण किरण इज द करेक्ट आंसर है, मैनी स्पेसिफिक है। तो व्हाट हैव द मेजर रीजंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड द and despite of the higher potential discussion achievement on the far challenges of the harvesting it works the should be a way the forward उच्च क्षमता के बावजूद भारत जो सौर ऊर्जा के विकास का प्रमुख कारण क्या रहे हैं, जब तक उपलब्धियों के लिए में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए, रास्ता क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस, द एक्सप्लेन द WHO's द क्वालिटी डेटाबेस, इट इज द लेटेस्ट अपडेट, द GS Paper 2 में आएगा, इश्यूज ऑफ द रिलेटेड ऑफ द हेल्थ से रिलेटेड WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस। तो ये हमारा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिपोर्टेड द वीक्स एंड द स्टेट द नीली द 99% ऑफ द ग्लोबली पॉपुलेशंस ब्रीथिंग्स दैट द कंटेंस द पॉल्यूशंस बियॉन्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्वालिटी लिमिट्स। द WHO's मेड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर द 2022 अपडेट द एयर क्वालिटी डेटाबेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक आबादी का लगभग 99% जो ऐसी हवा सांस ले रहे हैं जिसमें स्वीकृत वायु गुणवत्ता सीमा से प्रदूषक है। WHO ने अपने जो वायु गुणवत्ता का डेटाबेस 2022 को अपडेट करने के बाद जो अवलोकन किया है, तो की ऑब्जर्वेशन मुख्य अवलोकन क्या है, उच्च आयु वर्ग के जो 17% और जो शहरी में जो PM जो 2.5% और जो PM जो 10 और WHO की सीमाओं के नीचे का है, जबकि जो निम्न और मध्यम आय वाले के लिए 1% से भी जो कम शहरों में अनुपालन किया गया है, शहरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जो अंतर दिखा है, जो 74 देशों में जो 4000 शहरों और जो मानव बस्ती में जो 23 लोग जो हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के आश्वास लेते हैं और जो WHO निर्धारण जिसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। वायु गुणवत्ता डेटाबेस, यह गुणवत्ता डेटाबेस के लिए हवा में कणों की जो सांद्रता डेटा को संकलन करता है। वर्ष 2011 में ये किया गया है, तब तक जो समय समय पर जो अपडेट किया जाता रहा है। ईच ईयर द WHO हैज बीन द पब्लिशिंग ऑफ डेटाबेस ऑन द ग्राउंड्स मेजरमेंट्स एयर क्वालिटी ऑन द पर्टिकुलर्स द कनेक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर्स मैटर्स ऑफ द PM 2.5 टू PM 10। तो ये WHO की हवा गुणवत्ता की जापानी माप और विशेष रूप से तो PM 2.5 और जो PM ये हमारा जो 10 कणों की जो एकाग्रता डेटाबेस को प्राकृत कर रहा है। WHO के अनुसार जो जनसंख्या जो कि मजबूत जो अनुमान डेटाबेस प्रदूषण को की बीमारी का अध्ययन के मदद करने में इरादा रखता है। द न्यू इन द करंट अपडेट, वर्तमान में अध्ययन में नया, जो पहली बार जो डेटाबेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड स्थूल वार्षिक औसत सांद्रता के लिए जमीनी माप
शामिल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए एक सामान्य प्रदूषक और जो पार्टिकुलर मैटर के लिए ओजोन प्रदूषण अग्रदूत है। साथ ही जो 2018 में अगली अपडेट के बाद जो करीब 2000 और जो मानव शहर मानव बस्तियां PM 2.5 और जो PM 10 के लिए डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। डेटाबेस का जो पांचवा और जो वर्तमान में अपडेट से जमीन वायु प्रदूषण जोखिम के कवरेज में अभी तक जो सबसे व्यापक बनता है। तो 2021 द एयर क्वालिटी गाइडेंस 2021 जो गुणवत्ता निर्देशांक WHO 2021 में अपनी नवीनतम दिशा निर्देशों में प्रमुख सूचकांक प्रदूषकों के लिए एकाग्रता सीमा का वार्षिक औसत निर्देशित करता है। तदनुसार PM 2.5 के लिए 5 माइक्रोग्राम ओब्लिक M3 जो वार्षिक औसत स्वीकार किया गया है, जो PM 10 के लिए जो हमारा 15 माइक्रोग्राम ओब्लिक M3, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 10 माइक्रोग्राम ओब्लिक 3 स्वीकार किया गया। दिशा निर्देशों में प्रदूषक के लिए 24 घंटों के औसत निर्देशित करते हैं। PM 2.5 और जो PM 10 नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए इस स्तर क्रम से 15 माइक्रोम और जो इसमें M3 45 माइक्रोम के लिए ये है। तो वे फॉरवर्ड्स आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, जो उपलब्धता वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए हम लोग में जो WHO ने वायु जो गुणवत्ता और जो स्वास्थ्य सूचकांक सुधारों के लिए सरकारों को द्वारा उठाए जाने वाले कुछ कदमों के निर्धारित किया गया है। इनमें से WHO निर्देश के लिए वायु गुणवत्ता उपलब्धों के लिए लागू करने के लिए घरेलू उपयोग कठोर उत्सर्जन तक्ष के लिए क्रमान में लागू करने का आग्रह किया गया है। रिलेटेड सर्च में कहते हैं टाइप ऑफ द पॉल्यूशन एसेंस ऑफ द एयर क्वालिटी स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2022 रिपोर्ट्स इसमें बात हो जाएगी। और जो हमारा ये जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी सिस्टम ऑफ द क्वालिटी एंड द विद फॉरकास्टिंग एंड द रिसर्च निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफर का एक नागरिक शहर के लिए शहर गुणवत्ता मापने के लिए पर्यावरण वन ऑन द जलवायु परिवर्तन के लिए शुरू की गई है। सेकंड हमारा प्रणाली स्वदेशी रूप से जो उस कंटीन्यूअस मौसम जो IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित है। तापमान जो आर्द्रता हवा की दिशा और जो विकिरण और मापदंडों की निगरानी करता है। फोर्थ हमारा PM 10 जो ओजोन कार्बन और डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और जो टेमलिन जाइलिन आदि निगरानी करता है। उन कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो तीन तो हमारा 2 और 3 4 इज द करेक्ट आंसर है। 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला गलत है बस। मैंने स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन इज द मोर सोशल प्रॉब्लम्स देन द टेक्नोलॉजिकल इश्यूज वी डिस्कस। वायु प्रदूषण एक तकनीकी समस्या के लिए आधारित एक सामाजिक समस्या है। चर्चा करें। नेक्स्ट कोविड एंड द TB डाटा। हाउ कैन द कोविड अफेक्ट्स द TB ट्रीटमेंट्स इन इंडिया। तो भाई ये कैसे इफेक्ट किया है इसने कोविड ने TB को, जो हमारा जो पूरा ध्यान कोविड पे चला गया। आप देखो ना कुछ भी बीमारी ज़्यादातर क्या हुआ है जो पिछले लास्ट ईयर जो सारी चीज़ें कोई भी किसी बीमारी सभी खत्म हो गई लगभग मतलब खत्म तो नहीं हुई लेकिन उनका ध्यान सब कुछ भी बीमारी डॉक्टर क्या बोल रहा है कि कोविड चलता रहे बस जो। तो इंडिया इज द रिपोर्ट इज द ड्रामेटिक्स ऑफ द डिक्रीज ऑफ द TB एंड द केसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। भारत ने महामारी के दौरान जो तपेदिक TB के मामले में जो नाटकीय कमी का दर्ज की है। विवरण जो ये हमारा मामले में गिरावट के मामले में जो भारत 35 देश में शामिल है। नाइजीरिया अपवाद के साथ जो पहले नाइजीरिया ने ग्रोथ की है बस। भारत जो अलावा 2020-21 में चीन इंडोनेशिया पाकिस्तान सहित जो दुनिया के अन्य देश जो इसमें बोझ वाले देशों में जो मामले में अधिसूचना गिरावट देखी गई इनमें देखी गई है बस एक नाइजीरिया में जो ग्रोथ मिली है। अच्छा रीजन क्या है इसमें आवाजाही के जो प्रतिबंध जो भाई आना जाना हमारा बंद रहा है स्वास्थ्य संहिताओं के लिए। अब इसको ये कोई प्रॉब्लम होगी TB की बेचारा उजाएगा गाय को बाहर। इसलिए जोखिम वो जो COVID-19 के उपचार के लिए अस्पताल में संसाधन डाइवर्जन TB के पीड़ित लोगों को निदान और उपचार से रोक दिया गया है कि तुम भाई जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम है। इसलिए एक्टिव केसेस इन द फाइंडिंग सक्रिय मामलों में निष्कर्ष क्या है। तो डेटा से पता चलता है कि सक्रिय मामले में निष्कर्ष के लिए बयानों के लिए कमी की गई है। 2019 में संख्या 27.74 करोड़ थी, वहीं 2020 में घटकर जो 17.19 करोड़ रह गई है। 2021 में 2.23 करोड़ हो गई है। जो TB के मामलों में पता लगाने के लिए प्राथमिक साथ साथ मधुमेह क्रोनिक्स किडनी लीवर और बीमारी के लोगों के लिए इम्यूनिटी
रोगियों के लिए लक्षित जोखिम और समूह के बीच में मामले निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए ये कई से डिफेक्ट है। तो देखो ये किस तरह से करोड़ थे, ये 18.13 करोड़, फिर ये 17.1 करोड़, इस तरह से ये डिक्रीज हुआ। भाई ये ग्राफ देख सकते हैं जनवरी 2020 में और 2021 में इंडिया में। क्वांटम्स ऑफ द ड्रोन, बूंद की मात्रा। 2020 में भारत की जो टीबी के मामले में संख्या देश 2019 की संख्या में 75% थी। दूसरे शब्दों में 2019 की तुलना में 2020 में मामलों की संख्या जो हमारी 25% कमी आई है। गेबोंस और जो हमारा 80% की कमी आई है। फिलीपींस जो 37, जो ले थी जो 35 और जो इंडोनेशिया 31 मामले में इस बात की ग्रेविटी 5वीं सबसे अधिक थी। तो ये जो ये हमारा जो हमने डायग्राम बनाया, ये गेबोंस फिलीपींस इंडिया यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे नाइजीरिया, इसमें ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट हमारा मानसून फोरकास्ट, द नो ई आई द नैनो एक्सपेक्टेड विल द नॉर्मल सुना मानसून दस से द स्काई नेट मानसून फोरकास्ट द साउथ वेस्ट ऑफ द मानसून विल बी द लाइकली द नॉर्मली थ्रू द रेनफॉल्स एंड द अगस्त सेकेंड रेनफॉल फॉर मंथ विल लाइकली द सबड्यूड्स ऑफ प्राइवेट वेदर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द स्काईमेट्स हैज बीन द सेड। निजी कंपनी जो स्काईमेट ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 2022 सामान्य रहने की संभावना है। इसकी जो अगस्त में बारिश और दूसरे में अधिक में बारिश होने के लिए कम है कि अभी जो पहले अगस्त में होती थी ज़्यादा बारिश जो हो रही थी, जो सारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो तो बदलाव जो मतलब जून सितंबर तक जो चार महीने खिंचाव के लिए ऐतिहासिक औसत 98% राजस्थान गुजरात नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा जैसे बारिश होने के लिए कमी की संभावना है। उत्तर जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो उच्च स्तर पर जो वर्षा होती है। दक्षिण रेलवे वो जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक जुलाई में जो अगस्त मानसून महीनों में कम वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश प्रमुख खरीफ फसल के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक आधारित जो सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मानसून की पहली छमाही में जून और जुलाई के दूसरी तुलना में जो बेहतर जो रहने की उम्मीद है। जून की जो सामान्य जो है हमारा 7% अधिक वर्षा होने के कारण उम्मीद थी, जो जुलाई जो 100% और अगस्त जो हमारा 95% सितंबर जब मानसून कम होना शुरू होगा तो जो ये हमारा 90% तक पहुंच जाएगा। जून वालदा एक्सपेक्टेड 7% मोर देन यूजुअली जुलाई 100% अगस्त 95% एंड सेप्टेम्बर वेन द मानसून स्टार्ट इन द वेव्स 90%। अलिनो अबाउट द अलिनो, अलिनो के बारे में क्या है भैया? द अलिनो इज द कैरेक्टराइज्ड इज द वैरिंग्स ऑफ द टेम्परेचर इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड द एसोसिएटेड सो ड्यूरिंग द रेनफॉल्स इंडिया एंड द वजेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड सरफेस ऑफ द सरफेस दिस ईयर। अलिनो जो कि मुख्य विशेषता ये है कि जिसकी जो प्रशांत महासागर में तापमान को गर्म होना और जो बाद में सुख होने से जुड़ा हुआ है, इस वर्ष होने की उम्मीद है। इस वर्ष सतह से आने की जो उम्मीद है नहीं है। इसके विपरीत जो ला ये जो इसका जो भी अपोजिट होता है ला नीना, ये हमारा 2019-2020 में दो साल में सामान्य से अधिक बारिश और 2021 में सामान्य बारिश रहने की उम्मीद थी। इंडियन ओशियंस डाइपोल्स हिंद महासागर उधर मानसून को प्रभावित करने वाला जो एक अन्य जो कारक हिंद महासागर का द्वीप ध्रुव था, जिसका जो सकारात्मक जो चरम अच्छी बारिश और नकारात्मक जो विपरीत था। हिंद महासागर का ध्रुव तटस्थ है जिसमें नकारात्मक झुकाव झुकाव की प्रकृति है। अब क्या है टिप्पणी क्या है, भारत जो है मौसम वैज्ञानिक विज्ञान IMD द्वारा आधिकारिक पूर्वानुमान जानकारी करता है कि सप्ताह के अंत में मौसम के लिए पूर्व अनुमान घोषणा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट हमारा रेयर बटरफ्लाई प्लेम किंग, रेयर बटरफ्लाई प्लेम किंग सपोर्टेड स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम्स ऑफ द तमिलनाडु। ये हमारा रेयर बटरफ्लाईज और प्लम किंग्स द मेंबर ऑफ द रायोसेरा आयोडाटा आयोनाटा
the associations of the Raj Palams of Sadasya, the scientists of the butterfly planting in the first time of Tamil Nadu. वही तमिलनाडु में पहली बार ये दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, पॉम किंग देखी गई है इसको। पॉम किंग जो पहले दक्षिण भारत में जो 1891 ब्रिटिश वैज्ञानिक एच एफ जो फंगसंस रिकॉर्ड किया गया था। सदी में सबसे अधिक जो 2007 में जो थेन माला सुशांत द्वारा फिर खोजा गया था, एक बार फिर जो लेबिडेस्टिट जॉर्ज मैथ्यूज और उन्नी क्रिश्चन ने पी पॉमकिंग के जीवन चरण को अध्ययन किया और उनके उसे फोटोग्राफी के रूप में प्रदर्शित किया। इसके जो पश्चिमी घाट में दक्षिण में अरिप्पा सेंडी और जो पेरिया टाइगर रिजर्व जंगल के दृश्य में देखे गए हैं। बटरफ्लाई पॉमकिंग के बारे में तितली के भूरे रंग और जो गहरी रंग की पट्टियों से विशेष हैं, ये है एकांत रूप में जो वर्णित किया गया है जो शानदार छाया के नाम से आराम करती है। पॉमकिंग की पहचान आसान नहीं है क्योंकि जिस लकड़ी का रंग होता है वैसे ये छलावरण कनकन के साथ जो कभी भी अपने पंख को फैला लेती है। आदित्य लकड़ी की प्रजाति के लिए देखी जा सकती है। लकड़ी की जो जैसी होती है जैसे लकड़ी का रंग होता है वैसे तो हम इसको जैसे पहचान नहीं सकते। फिर पॉमकिंग जो निम्फ्लाइंस और जो संबेजी सम फैमिली के लिए संबंधित है। तार नारियल जो कैल्सस किस्म पौधे पर जो फीड पर काम करता है। पिछले महीने एक दुर्लभ तितली प्रजाति जो स्टोप्ड रॉयल को फिर से खोजा गया और जो नीलगिरी एक सदी के लिए दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो वाघा ऑफ गुजरात। एक्सप्लेन द वाघा ऑफ द गुजरात स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशंस। द वाघा ऑफ द गुजरात एज द पार्ट ऑफ द सीमा ऑफ द दर्शन प्रोजेक्ट ऑफ यूजर सीमा दर्शन एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह एंड संडे 10 अप्रैल इनोग्रेटेड इन इंडो पार्क इंडो पाकिस्तान बॉर्डर द व्यूइंग द पॉइंट्स ऑफ द नेटेंट्स ऑफ गुजरात अराउंड 188 किलोमीटर ऑफ अहमदाबाद। सीमा प्रदर्शन के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को 10 अप्रैल को अहमदाबाद जो 188 किलोमीटर गुजरात की जो एक जो भारत पाकिस्तान सीमा देखने का जो उद्घाटन किया है। विवरण कच्छ क्षेत्र में स्थित है यह आकर्षण जिसे जो कच्छ गुजराती कच्छ वाघा के रूप में जाना जाता है। यह है संकरी कुमटेन सड़क से जुड़ा है। यह उच्च ज्वारा उसके जलमार्ग में होते हैं। तो ये एक तरह से बता दिया कि भी वाघा बॉर्डर देखने के लिए वहाँ पे बना दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का एक तरह से आर्टिफिशियल है तो उसे देख सकते हो। नदा बेट्स जो 1971 के लिए भारत पाकिस्तान के लिए हमें जो भारत पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाई थी। यह क्षेत्र जो बीएसएफ के कुल जो पश्चिमी आक्रमण के लिए कोशिश कर रहे हैं दुश्मन के लिए रोका और जो बनी था जो दुश्मन को 15 चौकियों भी कब्जा कर लिया था जो हम युद्ध क्षेत्र के जो बीएसएफ नगर पार्क और जो डिस्प्ले क्षेत्रों में पाकिस्तान 1038 वर्ग किलोमीटर के कब्जा कर लिया था। शिमला समझौते में हस्ताक्षर के बाद यह पाकिस्तान को वापस कर दिया गया था। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट यह है आकर्षण और जो 0 पॉइंट पाकिस्तान के लिए की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने के लिए आयोग को प्रदान की गई पहुंच है। यह गुजरात के लिए बनासकांठा जिले के लिए सुरक्षा सीमा बीएसएफ द्वारा 24 घंटों को पहरा दिया जाता है। यहाँ पे सीमा दर्शन परियोजना के लिए सीमा दर्शन परियोजना जो इनोवेटिव ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द बीएसएफ एंड गुजरात द फ्रंटियर वी आर द फोकस ऑफ डेवलप ऑन द बॉर्डर ऑफ टूरिज्म द स्पेस ऑफ स्पेसिस ऑफ पॉपुलेशन इवेंट्स द स्पेसिस ऑफ द वेजिटेशंस। तो ये हमारा क्या है सीमा दर्शन परियोजना राज्य सरकार के लिए जो पर्यटन विभाग और जो बीएसएफ जो गुजरात फ्रंटियर की एक संयुक्त पहल है जिसमें जो सीमा पर्यटन के लिए विपरीत करने के लिए केंद्रीय ध्यान केंद्रित किया जाता है जहाँ पर कम आबादी और जो जहाँ पर दुर्लभ वनस्पति भी है। तो भैया मैंने समझाने का कोशिश की है यदि आप